नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। महिला बाल विकास के पर्यवेक्षकों द्वारा कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया है। दरअसल उनका कहना है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा उनके साथ बदसलूकी की गई है और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो फिर वे आंगनवाड़ियों का निरीक्षण करने नहीं जाएंगी। कटनी जिले के बड़वारा में गुरुवार को बसारी सेक्टर की पर्यवेक्षक के साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने बदसलूकी करते हुए हरिजन एक्ट लगवाने की धमकी दी थी, जिसके बाद बड़वारा महिला बाल विकास कार्यालय के सभी पर्यवेक्षकों ने परियोजना अधिकारी को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा और खुद को असुरक्षित बताया। शुक्रवार को परियोजना अधिकारी रविशंकर पांडे को कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपते हुए मांग रखी गई है कि बदसलूकी और शासकीय कार्य में बाधा डालने वाली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बबीता चौधरी के ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। ये घटना सामने आने के बाद सभी पर्यवेक्षक अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। अगर जल्द से जल्द हमारी मांगें पूरी नहीं की गई तो बड़वारा में पदस्थ सभी पर्यवेक्षक आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करने में असमर्थ रहेंगी और सामूहिक अवकाश में चली जाएंगी। इसमें हम लोग के द्वारा दिए गए निर्देशों के और के कारण जो उसके रिकॉर्ड में कुछ विसंगति पाई गई थी, इस संबंध में उसने उसका रिकॉर्ड अपने आधिकारिक अवलोकन के लिए कार्यालय में लेके आया, जिसका विरोध करते हुए जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है उसने उस पर छुआछूत की भावना का वो द्वेष लगाया, साथ ही धमकी दी और 100 नंबर डायल को बुलाकर आत्महत्या करने की धमकी दी गई है। इस संबंध में हम लोग सभी उसकी इस व्यवहार से असंतुष्ट हैं और थोड़े से भयभीत भी है। पर्यवेक्षकों ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा की गई बदसलूकी के संबंध में ज्ञापन सौंपा है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के इस कृत्य से उनके अंदर भय व्याप्त है। उन्हें गांव-गांव जाकर आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण करना पड़ता है, तो माननीय कलेक्टर महोदय के नाम से उन्होंने ज्ञापन प्रेषित किया है कि संबंधित कार्यकर्ता के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए, जिसको मैं मूलतः वरिष्ठ कार्यालय प्रेषित कर रहा हूँ। आगामी कार्रवाई वहीं से की जाए। इस खबर में इतना ही। लगातार अपडेट बने रहने के लिए जुड़े रहिए पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर और लाइक व सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नमस्कार।